एक घने जंगल में एक आम का बहुत ही विशाल पेड़ था, जिस पर बहुत स्वादिष्ट आम लगे होते हैं। वह अकेला ही एक ऐसा पेड़ था जिस पर सबसे अधिक मीठे फल लगते थे। उससे ज़्यादा मीठे फल जंगल में किसी भी पेड़ पर नहीं लगते थे, और सभी पक्षी बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें मीठे मीठे फल खाने को मिलते थे। उसी आम के पेड़ की थोड़ी दूरी पर ही एक बूढ़ा नीम का पेड़ भी था। फिर एक दिन, अरे रुको, तुम सभी पक्षी कहाँ जा रहे हो? आजकल तो तुम मेरे पास आते ही नहीं हो। पहले तो तुम मेरी ही छांव में खेलते रहते थे। तभी हरी तोती कहती है, हम सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास उसके मीठे मीठे आम खाने के लिए जा रहे हैं, और उसके आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा खाई जाए तो वह सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। आम का फल मीठा तो बहुत होता है, परंतु ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। तभी कालो कौवा बोल पड़ता है, अरे भाइयों, यह सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं आपने सुना है कि फल खाने से कोई बीमार हो जाता है? यह सब तो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब हम सब इसके पास नहीं आते, यह जलता है उस आम के पेड़ से। नहीं नहीं, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? आप सब मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं तो बस यह कह रहा था कि तुम्हारे फल तो बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं। फल मीठे नहीं दे सकते तो कम से कम बातें तो कड़वी मत किया करो। जैसे तुम्हारे फल कड़वे, वैसे ही तुम्हारी बातें कड़वी हैं। यह सब सुनकर नीम का पेड़ बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मेरे फल भले ही कड़वे क्यों ना हो, परंतु मेरे फलों से बहुत सी दवाई बनाई जाती है जो बीमारियों को दूर करती हैं। सभी पक्षी नीम के पेड़ की बातों को अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं और आम के पेड़ पर जाकर आम खाने लगते हैं। तभी आम का पेड़ पक्षियों से पूछता है, आज तुम सब इतना लेट क्यों हो गए? मैं कब से तुम सबका इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगा आज तुम आओगे ही नहीं। आज हमको उस बूढ़े नीम के पेड़ ने रोक लिया था और बोल रहा था कि तुम ज्यादा आम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, बस वहीं थोड़ी देर हो गए थे। वो मुझसे जलता है क्योंकि मेरे फल उसके फल से ज्यादा मीठे होते हैं, उसके फल तो जैसे भी ज्यादा कड़वे होते हैं। मैं ही एक ऐसा पेड़ हूँ जिस पर सबसे मीठे और स्वादिष्ट फल लगते हैं। और सभी पक्षी आम को बड़े ही मजे से खा रहे थे। फिर एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में किसी काम से जा रही थी, तभी वह उस नीम के पेड़ को बहुत उदास देखती है और उसे उदास देखकर वह उसके पास चली जाती है। क्या हो गया नीम भाई, आज आप बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे उन सभी पक्षियों की चिंता हो रही है जो जरूरत से ज़्यादा आम खा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, वह दिन भी दूर नहीं जब सभी पक्षी बीमार पड़ जाएंगे। मुझे पता है नीम पेड़ भाई, आम का फल मीठा तो बहुत होता है जिसके कारण उससे मन ही नहीं भरता, परंतु यह हमारे लिए ज्यादा खाना हानिकारक है और इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हाँ टूनी चिड़िया, तुम समझदार हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन बाकी पक्षी तुम्हारे जितने समझदार नहीं है। मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, परंतु उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम परेशान ना हो, जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है। सभी पक्षी आम के पेड़ के पास जाते हैं और बहुत सारे आम खाते हैं। फिर एक दिन अचानक से हरी तोती के बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और अब सभी पक्षियों की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। एक साथ कैसे आए, सब कुछ ठीक है? नहीं टूनी चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। आज मेरे बच्चे के पेट में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम ही हमारी मदद करो। हाँ टूनी चिड़िया, मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी मदद करो। तब टूनी चिड़िया उन सब से पूछती है कि तुमने क्या खाया था? मैंने उस आम के पेड़ का फल बहुत सारे खाए थे, मैं सारा दिन बस आम ही खाता रहता था। हाँ मैंने भी आम ही खाए थे और मेरे बच्चों ने भी। हाँ मेरे अब सब समझ में आ गया है, तुमने स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा आम खा लिए हैं, अब तो तुम्हें बस नीम का पेड़ ही ठीक कर सकता है। और वे सभी पक्षी उस नीम के पेड़ के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मुझे तो पता था एक न एक दिन यह नौबत आएगी, मैंने तुम सभी से पहले ही मना किया था, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी।
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आज के बाद किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। अब जल्दी से हम सबको ठीक कर दो। फिर नीम का पेड़ अपने फल में से एक दवाई बनाता है और कहता है, तुम सब इसे पी लो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सभी पक्षी उस दवाई को पी लेते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। उस दिन के बाद सभी पक्षी वैसा ही करते हैं जैसा उनको नीम के पेड़ ने कहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए।